फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी का क्वेश्चंस पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में 40 मार्क्स की आपकी हिंदी आना है। तो इसलिए दोस्तों, हिंदी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं कई और टेस्ट दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एग्जाम आपका 12 मार्च को, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 और 13 मार्च को पहले ही से एग्जाम डेट अनाउंस थी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम आपका 12 मार्च को होना है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो फरवरी लास्ट वीक, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, 1-2 तारीख के अंदर, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो आप ये पढ़ लीजिए, निर्देश दिया है कि 1 से 3 तक आपको ब्लूम शब्द ज्ञात करना है, तो ब्लूम शब्द आपको बताना है। खेचर का ब्लूम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। भूचर, जलचर, परिचर या नवचर? खेचर। तो खेचर का जो आपका ब्लूम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भूचर। भूचर जो है ये खेचर का ब्लूम शब्द होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। खेचर जो है वो भूचर का ब्लूम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का ब्लूम शब्द क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। गणतंत्र का ब्लूम शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो गणतंत्र का ब्लूम शब्द होगा राजतंत्र। क्या? राजतंत्र जो है ये गणतंत्र का ब्लूम शब्द होगा, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर का ब्लूम शब्द क्या होगा, जल्दी बताएं। गंभीर का ब्लूम शब्द क्या होगा बच्चों, जल्दी, गंभीर का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो गंभीर का ब्लूम शब्द हो जाएगा बाचाल, जो ज्यादा बोलने वाला हो। गंभीर लोग जो है वो कम बोलते हैं, आपने देखा होगा, ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलेंगे, बाचाल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 तक आपको सही भाग चुनना है। 4 सेंटेंस आपके सामने दिए हैं, इन 4 सेंटेंस में से 1 सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसी सही सेंटेंस को आपको टिक करना है, आंसर बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। पढ़ने में तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो अब, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, 5वें नंबर का क्वेश्चंस, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझको लौटने में विलंब हो गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मुझको लौटने में विलंब हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हरे भरे लहराते खेत, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस 7 से 9 तक, यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं, एक पूरा सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है, ए बी सी डी। जिस भाग में गलती है उसको आपको टिक करना है, अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, चौथा ऑप्शन आप लगा सकते हैं। वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। अब देखो, बड़ा भी यूज होगा, विशाल भी यूज होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों चीज एक साथ यूज नहीं हो सकती, तो इसके बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो इसमें पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो पहले ऑप्शन में त्रुटि है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है, अब बताओ, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है? नहीं भैया, द्विवेदी जी का महान व्यक्तित्व है, तो इसके कौन से पार्ट में? तीसरे पार्ट में गलती हो जाएगी, ठीक है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है, बाद में नहीं आएगा व्यक्तित्व, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 10 से 13 तक आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो जल्दी बताइए दोस्तों। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना, किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना, इसके लिए वाक्यांशों का एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा खंडन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा? खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र। संख्या एवं और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गणित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतरज वातम रे परे,
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, गुणातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने वाली की शक्ति। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने वाली की शक्ति, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम तितिक्षा। क्या बोलेंगे, तितिक्षा। यहाँ तक आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द चल रहे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 11 से 13 तक तो आपको बताने थे, तो सत रज व तम से परे इसका होगा गुणातीत, ठीक है। नहीं तो आप सोचो ये क्वेश्चन कैसा है, गुफा शब्द कैसा है, तत्समय तद्भव देशज या विदेशी है। गुफा, गुफा शब्द कैसा है, तो भैया जो गुफा शब्द है ना वो एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी बताएं, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गोधूम। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिवा का पर्यायवाची है, सिवा का पर्यायवाची है, जल्दी बताइए सिवा का पर्यायवाची क्या है। इससे पहले गोधूम आपका पहला ऑप्शन बताया कि मैंने चौथा बताया, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना गोधूम पहला ऑप्शन। सिवा का पर्यायवाची क्या है, तो सिवा का पर्यायवाची है अलावा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूरज किसका पर्यायवाची है, अंशुमाली आदित्य या भास्कर, तो सूरज जो है वो सभी का पर्यायवाची है, अंशुमाली आदित्य भास्कर ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, हिरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कंचन। कंचन जो है ये हिरण्य का पर्यायवाची होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सही आंसर है आपका खुशी मनाना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये देखो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ आपने देखा होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तत्सम तद्भव आपको मिले, पर्यायवाची आपको मिले, विलोम शब्द आपको मिले, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको मिले, शुद्ध शब्द आपको मिले, तो ये सारे टॉपिक हैं। अगर आप वाकई में नौकरी करना चाहते हैं तो देखो हिंदी ना है, है ना, ये कई एग्जाम में आना है, UPSI में आना है, UP लेखपाल में आना है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में आना है, UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड में आना है, UP पुलिस कॉन्स्टेबल में आपकी हिंदी आना है, ठीक है। अभी DSSB के जो फॉर्म निकले थे, कई सारी वैकेंसी निकली थी अलग अलग पदों पर, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों आना है, लेकिन हिंदी भी आएगी इंग्लिश भी आएगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सारे जैसे अभी आपका BEd का एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें भी हिंदी आना है, तो हिंदी जो है वो इतने सारे एग्जाम्स को कवर कर रही है, आप लोग पता नहीं कितने लाइटली आप हिंदी को लिए हुए हैं। अगर आप हिंदी से क्वेश्चंस करके आते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि आप औरों से आगे निकल जाओगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अत्याचार करने वाले को आप क्या बोलेंगे, अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला, तो इसे आप क्या बोलेंगे, आतताई। क्या बोलेंगे, आतताई, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा दोस्तों, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग का संधि विच्छेद क्या है, दुर्ग का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, दुह प्लस गा, ये हो जाएगा दुर्ग का सही संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बहुत एग्जाम में आपके आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वीडियो बनाई हुई है अलग से, मैंने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ बताना है आपको ठिठोली का, ठिठोली का सही अर्थ क्या होगा, परिहास नाराजगी ठगी या खेल, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फरियास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राशि का सही अर्थ आपको बताना है कि राशि का सही अर्थ क्या होगा, राशि का सही अर्थ हो जाएगा ढेर, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेक्षा का आपको सही अर्थ बताना है, उपेक्षा का आपको सही अर्थ बताना है कि उपेक्षा का सही अर्थ क्या होगा, तो उपेक्षा का जो सही अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तिरस्कार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि बेमेल शब्द को आपको चुनना है, ससुर सहोदर साला और सखा, इसमें से आपको बिल्कुल बेमेल शब्द बताना है, तो सखा जो होगा वो आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि साला सहोदर ससुर ये सारे आपके रिश्ते हैं, सखा आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई आपका करीबी भी हो सकता है, समझ रहे ना।
तो दोस्तों ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए है जिसका एग्ज़ाम 12 मार्च को होना है। ठीक है, तो इस मार्च को इस एग्ज़ाम को टारगेट बना के हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।